যে কল দিও ভাই छोड़ो पता नहीं गहराई में मोबाइल घटना हुई थी यहाँ पे। मैं थाने में अपने ताजियादारों की मीटिंग ले रहा था तो द्वारा टेलीफोन हुआ, कुछ बच्चे यहाँ मोहल्ले के पहुँच करके बताया कि आग लग गई सिलेंडर में, तो मैं तुरंत मीटिंग छोड़ करके और अपनी गाड़ी सरकारी गाड़ी से मौके पर पहुँचा। थाने से अपना कम्बल ले करके मैं पहुँचा था जो कि आग गैस में लगी थी, मुझे जानकारी थी कि कुछ करना होता है, तो कम्बल लेकर के आया, घर के अंदर घुसा, पानी उपलब्ध था, पानी में भिगो करके मैंने कम्बल को उड़ाया, लेकिन चूँकि सिलेंडर गिर गया था इसलिए उसको ऑक्सीजन वो मिल जा रही थी, हवा मिल जा रही थी, और फिर उसका ये हुआ कि कहीं फट ना जाए तो इसको मैंने बाहर घर से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकर के निकाला, क्योंकि अगल बगल पूरी बस्ती है, कुछ कोई घटना होती तो बहुत से घर जो है उसमें क्षतिग्रस्त हो जाती, जान भी जा सकती थी, तो हमने उसको घर के अंदर से रस्सी में बांध करके और निकाला है, और उसके यहाँ नदी में उसको मैंने डाल दिया और उसके बाद वो सफलता मिल गई, कोई घटना ना, कोई दुर्घटना नहीं होने पाई, साकुशल जो है निकाल लिया गया। क्या घटना हुई आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे सिलेंडर फट गया। कैसे हुआ? चाय बना रही थी घर में बस, तो उसी टाइम हो गया। उसके बाद आपने क्या हुआ यहाँ? हमने बालू वालू डाली, चादर आदर डाली, भट्टी अट्टी डाली, सभी लोग पानी फिर और सब लोग आ गए तो उन्होंने पानी आने डाल दिया और आग बढ़ती गई। उसके बाद सब लोग आ गए, पुलिस 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 के जवानों ने क्या किया? पुलिस आने के बाद उन्होंने रस्सी मांगी हम लोगों से, रस्सी मांगने के बाद सिलेंडर बाहर निकाला, रस्सी बांधा सिलेंडर से, फिर बाहर तक ले गए सिलेंडर और पुलिस वाले नदी की तरफ ले गए। मतलब कितना नुकसान हो गया? नुकसान हमारा पूरा घर का हो गया काफी। कितना किचन में, तो आप ही लोगों को मालूम है कितना सामान लगा रहता किचन? लगभग कितने हजार का सामान? अब जी तो कुछ बता नहीं सकते, देखो बर्तन वर्तन थे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।